राजधानी में ठगी का मामला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं नौकरी दिलाने के नाम पर फिर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया, जहां अपराधी सुरेंद्र हरपाल से 10,50,000 रुपए की ठगी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी विपिन अग्रवाल ने सरकारी विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 10,50,000 रुपयों की ठगी की। नौकरी नहीं लग पाने की रकम वापसी करने पर आरोपी आनाकानी करने लगा, साथ ही चेक देकर आरोपी ने गुमराह भी किया। आरोपी ने जो दिया था वो भी बाउंस हो गया। वहीं मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सुरेंद्र हरपाल के द्वारा रिपोर्ट की गई है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम से विपिन अग्रवाल, जो कि मुद्दा बगीचा जसपुर का रहने वाला है, उससे संपर्क करता और उसने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम से उससे 10,50,000 रुपये जो है लिए थे और नौकरी न मिलने की स्थिति में पैसा वापस कर देने की बात की थी, लेकिन ना ही नौकरी मिली ना ही उसके द्वारा पैसे वापस किए गए।